तो मेरा एक विजन है कि 20 दिसंबर 2020 तक हम लोग सब मिलके, आप लोगों का भी वो हो, एक अच्छा कार्यक्रम हम करें, महिलाओं के लिए करें। मावे का एक सपना है कि हम 20 नए एंटरप्रेन्योर्स कैसे खड़े कर सकते हैं, हम 20 नए प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, वर्कशॉप्स करना चाहते हैं छोटे छोटे, जिसमें हम चाहते हैं कि आप अपने क्लब अपने नेटवर्क की महिलाओं को भी भेजिए, उसमें वो जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। सब लोग आज वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में फाउंडर्स डे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप कब से मावे में? 7 साल 2014 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। मैं 2014 में आई हूँ 6 अप्रैल। मैम ने मुझे बुलाया, मैंने 7 तारीख से मैंने ज्वाइन किया। इतने दिन से सबसे ज्यादा काम कर रहा है हु आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द टॉक शो। आई वुड लाइक टू वेलकम जसमीत कौर, प्लीज कम फॉरवर्ड। Huge round of applause for all of you all. Vandana Agarwal ji, Mamta Mahajan ji, please. Swati Dubey, Nisha Nair, उत्कर्षा जैन, सीमा स्वामी जी, ऑल द वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स। ओके, नाउ दिस टॉक शो फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय आवर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भावना मदान। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू वेलकम वंदना अग्रवाल जी, हु इज द प्रोप्राइटर ऑफ महालक्ष्मी डेयरी फार्म एंड अन्नपूर्णा कैटल फीड, इज अ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर। आई वॉन्ट टू वेलकम जसमीत कौर, शी इज अ मावियाइट विद अ पैशन। हम वेलकम करें ममता महाजन को। जो है ममता महाजन ऑल द वे फ्रॉम इंदौर है हमारे बीच में, and she is the proprietor of Mantra Composites Indore. She was born, brought up, and she's married in Indore. That's why her industry starts there, and she has been engaged in business since 2005. Next, the very young Swati Dubey. Welcome Swati. She's a blogger, a mom blogger on mompresso.com, and Mrs. Pramila Dubey is your mother, right? Now we have someone who was born in Varanasi and started her business at handicraft at the age of 17. A big round of applause for Utkarsha Jain. The very last but not the least, I'm very passionate about this young lady. Utkarsha with her cow dung, and she's here with beauty, she's with laundry, she's industrial products, jewelry, dairy. My God, vibrant, vibrant. Hi, Vandana. लेबोरेटरी ऑफ अवर ओन सेटअप, कभी कुछ
सेशन वगैरह हो उसको चेक करने के लिए अपनी खुद की लैब है। वेजिटेरियन की एक बहुत अच्छी टीम है जो हमारे खुद की ही है। लास्ट ईयर हम इसको मतलब जो मैकेनाइज है वो हम प्लेटफॉर्म लेकर आए 2019 में 19 अगस्त से सब स्टार्ट किया। आपने ट्राई नहीं किया? नहीं मैम, ये उमरिया चौके है गांव पनागर के पास, वहां पर आउटलेट्स हैं थ्रू आउट द कंट्री। Archie Mailey gives us amazing jewelry, and I should tell you what I'm wearing today is her jewelry. We have five. We also have started our latest store at Fort Blair. Then Vizag we have one. Jaisalmer we have two. Then Jabalpur mein hai. She is here. Both the stores are covered. Jabalpur to pehle kar liya. Mawe Bazaar is there. You can come for that. That is not a. आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आप क्या बना रहे हैं, उसके क्या यूनिकनेस है वो आप। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम एंड रचना जी फॉर हैविंग मी इन दिस पैनल। आई वुड डू लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें करती हूँ मैं, एंड वन ऑफ विच इज रियली क्लोज टू माई हार्ट वो है हमारा ऑर्गेनिक वेलनेस रेंज है स्किन एंड हेयर केयर का अंडर द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक स्टोर। ऑनलाइन अवेलेबल है आपकी प्रोडक्ट? अभी नहीं, अभी बिकॉज ऑनलाइन जाना चाहेंगे। ऑनलाइन खादी की संकल्पना और मेरा मेन जो बेसिकली जो मेरा थीम है, मैंने गांधी जी का जो विचार था स्वच्छता स्वावलंबन और स्वदेशी, मैंने इन तीन मूल मंत्रों को अपने खादी में साकार किया है कि मैं हर उस महिला को जो घर में बैठ कर कुछ करना चाहती है उसको खादी की छोटी सी ट्रेनिंग देके सबसे देके लाइवलीहुड में लाना चाहती हूँ जिसमें घर में बैठ के वो कुछ कमा सके, कुछ अर्न कर सके। थैंक यू सो मच शिवा। टेल यू वन थिंग, बट प्रिपेयर रहना कि सब आपको धोबी बोलेंगे। The first thing I told my mother-in-law ki pata nahi kya laundry project, yes so bhabhi bolenge, and this is 2 years back, this is not overnight, and Archana ma'am knows that. Karsha Beesh, I've given you her background. I wanted to speak to the point ki aapka product kya hai aur usme kya uniqueness hai aur kya karne ki koshish kar rahi hai. Thank you ma'am. Main organic soaps banati hu, herbal organic soaps banati hu. वो अगरबत्ती में जो उसका धुआं निकलता है वो एक सिगरेट से भी ज्यादा हार्मफुल होता है। तब मैंने ये सोचा कि अगर हम मैं काउडंग प्रोडक्ट से इंडिया डेकोरेशन प्रोडक्ट्स काउडंग से बनाती हूँ तो उससे मैंने फिर धूप बत्ती और हम हवन संहिता बनाई, तो उसमें वो हर्बल है उसका जो स्मोक है वो नुकसान नहीं दे रहा है। आपका प्रेरणा स्रोत कौन था और कहाँ आप अपने बिजनेस मॉडल को आगे देखना चाहेंगे? मेरा प्रेरणा स्रोत मेरे फादर है। एक्चुअली बचपन से हर काम को उन्होंने मेरे साथ दिया, घंटों मेरे लिए स्टेशन में वेट किया, हर प्रोग्राम उन्होंने देखा होगा, पीछे की सीट पे बैठ के मेरा प्रोग्राम देखते, साथ में मेरे सामने बैठी हुई मैडम भटनागर जिनको मैंने 24 आवर्स में कम बोलूंगी शायद 28 आवर्स मतलब 4 आवर्स एक्स्ट्रा काम करते देखा है और हर पल एक्टिव देखा है, तो मैं जब भी कहीं फंसती हूँ तो मुझे उनकी याद है कि वो होती तो कैसे निकलती, तो वो मेरी प्रेरणा स्रोत है। अच्छा एक बात और होती है, जब भी आप कोई काम करते हो तो ये बात जरूर रहती है कि बहुत सारे लोग आपके टांग खींचने वाले जरूर होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग आपको ना बहुत डिप्रेस भी करते हैं, अरे क्या सही, अरे है ना, तो मुझे लगता है दो चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, एक तो हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, दूसरा हमें मेहनत करने की क्षमता होना चाहिए, तो मुझे किसी भी मुकाम पे जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं हमेशा एक बात कहूंगी कि जैसे आज हम कहते हैं ना किसी एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन एक सफल औरत के पीछे मुझे नहीं लगता यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कि उनके पीछे उनकी पूरी फैमिली का हाथ है, चाहे वो बच्चे हो, पति हो और चाहे वो इन-लॉज हो, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगी कि ये बिल्कुल अपने दिमाग से हम निकाल दें और बिल्कुल उसका जब हम साथ लेके चलेंगे उनको ना तभी हम शायद आगे बढ़ पाएंगे। क्या हम सब इन लोगों के लिए, आप लोग अपने लोगों के लिए अ बिग राउंड ऑफ अप्लाउज। थैंक यू वेरी मच। Thank you.